वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सारे। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, सबकी मुश्किलों को दूर करें। ठीक है, आज हमारा जी कुकिंग मेन्यू है खाने का। जी आप धोलिए, देखिए हमने काट ली है, टमाटर भी काट लिए हमने, प्याज हमें ब्राउन करने चला दिए। आज हम खाना खाने में थोड़े लेट हो गए, बयान के ना कान में रात से दर्द हो रहा है, देर से सोया था, फिर मैं भी देर से उठी, नाश्ता वगैरह करके चीज़ वगैरह सोचे सोचे टाइम हो गया। चले जी हम खाना चढ़ाते हैं। ठीक है, इसको चढ़ा के फिर हम नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद हमने जाना है टेलर पे हस्बैंड के कपड़े वगैरह लेने। ये देखिए प्याज हमारे ब्राउन हो गए थे, ठीक है, उसमें हमने लहसुन वगैरह डाल के उसको भून लिया ताकि उनकी स्मेल ख़त्म हो जाए। और उसमें टमाटर डाल दिए, ठीक है, और हमने टमाटर को थोड़ी देर फाइव मिनट के लिए ढक देते ताकि थोड़ा टेंडर हो जाए। हम इसमें मसाले ऐड करते हैं, हमने इसमें मसाले ऐड कर दिए। हमने 1 टेबल स्पून ऐड किया है नमक, थोड़ा सा उसको भर के, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1.5 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून हमने पिसा हुआ सूखा धनिया, ठीक है, 1.5 टीस्पून काली मिर्च और जीरा डाल के हम इसको थोड़ा फ्राई करते हैं। ठीक है, पास वो प्यूरी भी बनी हुई है लेकिन मैंने अभी ना फ्रेश टमाटर मंगाए थे तो मैं फिलहाल वही यूज़ कर लिया। आप बताएं आज कौन क्या पका रहा है, तो आप लोग इसे शेयर करते हैं ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और मेरी बड़ी कोशिश होती है कि मैं आप लोग को ऑनलाइन जवाब दे दूँ ताकि किसी को ना फील हो कि हम मैसेज करते हैं और आगे से रिप्लाई भी नहीं आता। हम इसमें थोड़ा पानी ऐड कर दिए ताकि टमाटर और मसाले यकजा हो जाए। ये देखिए हमारा मसाला सही तरफ मिक्स हो गया, आपस से ठीक है, टमाटर भी बिल्कुल टेंडर हो गया। हम इसमें जीरा तोरी ऐड कर देते हैं, उसी में हमने हनी मिर्च भी काटी है। ये तकरीबन डेढ़ किलो है जीरा तोरी, ठीक है। किस किस को पसंद है बताइएगा कमेंट्स में। इसको हम बिल्कुल आज पे रखकर नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, फिर साथ कपड़े लेंगे क्योंकि ये अभी उसको टाइम लगेगा पकने में और इसका पानी ड्राई होने में, वही अपने ही पानी में पकेगी, इसका अच्छा खासा पानी होता है, खुदा की कुदरत है। चलिए इसको हम सबको मिक्स कर लें प्रॉपर। ये देखिए ये इसका पानी निकला है, उसने पानी छोड़ दिया सब्ज़ी ने, ठीक है, अभी अपनी इसमें इसको हम हल्की आँच पे भी रखेंगे ताकि ये सही तरह गल जाए इसमें अपने ही पानी में, ठीक है। जब तक हम जल्दी से कपड़े ले आते हैं और आके फिर हम आपको दिखाते हैं फाइनल लुक इसकी, जब तक ये हल्की आँच पे पकता रहेगा हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10-15 मिनट में हम वापस आ जाएंगे। ये देखिए जी हमारी घी तोरी जो है वो कंप्लीट हो गई है बनकर, ठीक है, आप सबने ट्राई करना है। आखिर में मैंने इसमें एक चुटकी गरम मसाला छिड़का था, आप सबने ट्राई करना है और मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को कैसे लगी रेसिपी, और अगर कोई किसी और तरीके से बताता है वो भी मुझसे शेयर करे, मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।